गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 इन ट्रायंगल चैप्टर। साइड एबी एंड एसी एंड मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पीक्यू एंड पीआर एंड मीडियन पीएम ऑफ अनदर ट्रायंगल पीक्यूआर, सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल हमने देखा ए बी सी, दूसरा देखा पी क्यू आर, ये ए डी मीडियन है और इधर पी एम जो है मीडियन है। सबसे पहले देखिए हमें दिया था, हमें जो दे रखा है एक ट्रायंगल की तीन साइडों का रेशियो, यानी कि ए बी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, बिल बी इक्वल टू हमें दे रखा है ए डी अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन है पी एम, बिल बी इक्वल टू ए सी ध्यान दीजिए डायग्राम है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, पी आर याद दीजिए ठीक है। तो ये हमने दिया है, हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के पूरे के सिमिलर होगा। सिमिलर होने के लिए दो साइड को हमें दी गई, ये और ये, ये और ये, तीसरी साइड ये आ जाए तो हमारा सिमिलर हो जाए। हम देखते हैं देखिए जो हमें दिया गया है, पहले केस में ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये मीडियन के रेशियो के बराबर है, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा जो है जो ए सी अपॉन पी आर है ये भी जो है मीडियन के रेशियो के इक्वल है, इक्वेशन नंबर टू। तो इनसे ये पता लगता है कि यदि इसका इसका रेशियो ये मीडियन के रेशियो के बराबर है और इस साइड और इस साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर है तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि देयर फोर यदि हम कंस्ट्रक्शन करें उससे हम निकाल सकते हैं therefore जो हमारा थर्ड साइड होगा BC अपॉन जो QR होगा इसका रेशियो भी मीडियन के रेशियो के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर therefore यहाँ पर लिखते हैं hence, यानी कि हमारा जो आया इसमें AB अपॉन PQ will be equal to AB अपॉन PM will be equal to AC अपॉन PR will be equal to BC अपॉन क्यू आर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो के बराबर है, तो हम इधर लिख देंगे बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल जो पहला वाला है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हेंस